एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है प्रेग्नेंट वोमेन को मारने के जुर्म में। और एक हॉस्पिटल में बहुत सी प्रेग्नेंट वोमेन मौजूद होती है, वो एक खबर देख कर डर जाती है। इसके बाद सिनेमा में दिखता है कि ताई जब सड़क पर काम कर रहा होता है तभी वो एक प्रेग्नेंट वोमेन को देखता है जिसका सेब का थैला नीचे गिर गया था और वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। फिर ताई जाकर उन सेब को उठाने लगता है। वो औरत ताई को थैंक यू कहती है। ताई उससे उसके घर का पता पूछता है ताकि वो ये सामान उसके घर तक ले जा सके, लेकिन वो औरत मना करती है। फिर ताई उसे अपना कार्ड देता है और उसे अपने बारे में बताता है। वो औरत ताई को उस फनेल हॉस्पिटल का नाम बताती है। वहीं दूसरी तरफ फनेल हॉस्पिटल में डोंगजू देखती है कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर आए हैं उस प्रेग्नेंट वोमेन के अंतिम संस्कार के लिए। डोंगजू को भूख लगने लगती है। फिर डोंगजू वहाँ रखे सेब के फलों में से एक सेब उठाती है और उसके जाने के बाद तभी वहाँ ताई आ जाता है कुछ सेब के फल लेकर और वो शिवगंग के फनेल रूम में जाता है। ताई वहाँ शिवगंग के हस्बैंड को देखता है जो कि बहुत अपसेट था। फिर ताई वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर ताई जब वहाँ से जा रहा होता है तभी डोंगजू का हेड ताई से एक काम करने के लिए कहता है और डोंगजू का हेड ताई को एक बैग पकड़ाता है और वो ताई को उस बैग को नीचे के कमरे में छोड़ने के लिए कहता है और वो बताता है कि वो डोंगजू को मैसेज कर देगा। फिर ताई नीचे की तरफ जाने लगता है। वहीं अंदर डोंगजू का हेड उस शिवगंग के हस्बैंड को खाने खिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो आदमी खाना नहीं खाता क्योंकि वो बहुत टूट चुका था। वहीं नीचे दिखता है कि डोंगजू उस शिवगंग की डेड बॉडी के पास होती है और प्रेयर कर रही होती है। इसके बाद वो पहले की तरह जैसे वो सभी डेड बॉडी के साथ करती थी उसी तरह से वो शिवगंग के गाल कुछ होती है। फिर वहाँ सब कुछ चेंज हो जाता है और डोंगजू शिवगंग की आत्मा से बात करने लगती है। शिवगंग की आत्मा बहुत रोने लगती है क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बच्चा पैदा हो भले ही वो मर जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। डोंगजू उसे बताती है कि अगर वो अपने हस्बैंड को कुछ देना चाहती है तो वो उसे खुद देगी। शिवगंग अपने हस्बैंड से मिलना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ उसका हस्बैंड वो बाहर आ जाता है कॉफिन रूम में और वहीं दूसरी तरफ से ताई भी वो कमरा ढूंढ रहा होता है जिसके बाहर उसे पैकेज रखना था या डोंगजू को देना था और वो हर एक दरवाज़ा खोलकर चेक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शिवगंग का हस्बैंड वो कॉफिन रूम के बाहर पहुंच जाता है और वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी साइड से ताई भी वो अंदर कुछ आवाज़ सुनता है जैसे कोई बात कर रहा हो और उसे डोंगजू की आवाज़ सुनाई देती है। दूसरी तरफ से शिवगंग का हस्बैंड वो रुक जाता है, दरवाजे को नहीं खोलता और वहाँ से जाने लगता है। वहीं शिवगंग जब डोंगजू को कुछ बात बता ही रही होती है तभी ताई दरवाज़ा खोल जाता है और सब कुछ पहले ऐसा हो जाता है, यानी सारी मैजिकल पावर खत्म हो जाती है। डोंगजू के साथ अब सिर्फ शिवगंग की डेड बॉडी होती है। ताई ये देखकर हैरान होता है। वो देखता है डोंगजू शिवगंग की डेड बॉडी को उठाने की कोशिश कर रही है। ताई के हाथ से वो पैकेज छूट जाता है। डोंगजू ताई को देख लेती है। ताई डोंगजू को देखकर हैरान होता है और डोंगजू भी ताई को देखकर हैरान होती है। फिर ताई वहाँ से जाने लगता है। फिर डोंगजू भागकर ताई के पास जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है और वो ताई को बताने की कोशिश करती है कि उसने जो देखा वो ऐसा कुछ नहीं है। और शिवगंग की आत्मा ने कहा कि वो चाहती है कि वो अपने हस्बैंड को एक आखिरी कॉल करे, लेकिन ताई को यकीन नहीं होता कि कैसे एक डेड बॉडी ऐसा बोल सकती है। तभी वहाँ डोंगजू का हेड दौड़ते हुए आता है और ताई डोंगजू के हेड को वो बात बताने वाला होता है। डोंगजू से रोकने लगती है। वो बताती है कि वो भूत देख सकती है। वह हेड डोंगजू को बताता है कि शिवगंग का हस्बैंड गायब हो चुका है। डोंगजू ये सुनकर हैरान होती है और वो डोंगजू को उस आदमी की तलाशी करने के लिए कहता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। डोंगजू फिर उस रूम में जाती है जहाँ शिवगंग की डेड बॉडी मौजूद थी और वो शिवगंग का फेस छूती है जिससे कि वो शिवगंग की आत्मा से बात कर सके, लेकिन मैजिकल पावर काम नहीं करती। डोंगजू परेशान हो जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो वहाँ रखी डेड बॉडी को मुर्दा घर ले आने के लिए आया था। फिर उस शिवगंग की डेड बॉडी को मुर्दा घर ले आता है। डोंगजू और परेशान हो जाती है। वहीं डोंगजू के हेड को पता चलता है कि शिवगंग के हस्बैंड ने अपना फ़ोन और पर्स यहीं छोड़ दिया है और वो कहीं गायब हो गया है। वहीं अगले मॉर्निंग में डोंगजू वहाँ से चले आती है और ताई भी अगली सुबह अपने ऑफिस में पहुँच जाता है और वो देखता है कि उसका अंकल विंसेंट वो टीवी पर खबर देख रहा होता है कि शिवगंग का हस्बैंड गायब हो चुका है। विंसेंट जब बाहर जाता है तभी वो डोंगजू का आता हुआ देखता है और वो डोंगजू से जाकर मिलता है। वो अपने भतीजे ताई को डोंगजू से मिलवाना चाहता था। फिर वो ताई को आवाज़ लगाने लगता है ताकि ताई बाहर आए। डोंगजू ताई को देख लेती है और ताई भी डोंगजू को देख लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। ताई बाहर आता है और वो डोंगजू को गुस्से भरी निगाहों से देख रहा होता है। तभी वहाँ उनका दोस्त हाइयान आता है और विंसेंट हाइयान के साथ किसी काम के सिलसिले में अपने स्कूटर से चले आता है। फिर डोंगजू जब वहाँ से जाने लगती है तब ताई डोंगजू को बताता है
कि रूम जल्द से जल्द खाली हो जाना चाहिए। डोंगजू भी कह देती है कि वो रूम को खाली कर देगी। इसके बाद डोंगजू अपने अपार्टमेंट में जाती है और सामान पैक करने लगती है। फिर वो चर्च में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। इसके बाद डोंगजू उस योगिन के अपार्टमेंट में जाती है। उस अपार्टमेंट में जाना मना था। डोंगजू वहाँ सिर्फ बार बार से देखने लगती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस डोंगजू से पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। डोंगजू बताती है कि वो यहाँ से गुजर रही थी, तभी वहाँ ताई का फ्रेंड आया था जो कि हाइयान एक पुलिस ऑफिसर था। फिर डोंगजू उसकी वजह से बच जाती है। फिर रात होती है और डोंगजू बहुत परेशान हो जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है जहाँ ताई अक्सर आया करता था। फिर ताई उस रेस्टोरेंट में आता है और वो डोंगजू को देख लेता है। डोंगजू भी उसे देख लेती है। फिर ताई जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तभी डोंगजू दौड़ते हुए उसके पास जाती है और उसे रोकती है। डोंगजू फ़ोन पर उस खबर को दिखाती है कि सियोगंग का हस्बैंड अब तक गायब है। डोंगजू ताई को बताती है कि सब चीज़ का दोषी सिर्फ ताई ही है। ताई डोंगजू पर गुस्सा करने लगता है। डोंगजू बताती है कि उस दिन अगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला होता तो डोंगजू सब कुछ सुन लेती जो जो सियोगंग की आत्मा कहने वाली थी। डोंगजू ये कहकर वहाँ से चले जाती है। ताई और गुस्से में आता है क्योंकि ताई को लग रहा था इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सिर्फ डोंगजू की है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि डोंगजू अब अपने फ्रेंड्स के साथ रह रही होती है क्योंकि उसने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया था जहाँ वो कुछ हफ्ते पहले शिफ्ट हुई थी। डोंगजू ने बताती है कि उसे रूम ओनर ने बाहर निकाल दिया है। उसकी फ्रेंड ये सुनकर हैरान होती है। फिर इसके बाद रात को डोंगजू को उसके पिता का फ़ोन आता है और उसके पिता उसके हालचाल पूछने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ताई भी वो अपने फ़ोन में खबर पढ़ रहा होता है कि पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है और उन्हें वो आदमी अब तक नहीं मिला। फिर अगले दिन ताई अपने फ़ोन में एक खबर पढ़ता है कि एक डेड बॉडी पाई गई मैपोक ब्रिज के पास। ताई ये खबर पढ़कर हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ डोंगजू भी खबर पढ़ लेती है और वो जहाँ थी वो वहाँ से भागने लगती है। फिर ताई जब गाड़ी पर होता है तभी वो रेडियो पर न्यूज़ सुनता है कि जो डेड बॉडी पाई गई वो एक फायर फाइटर की थी। फिर ताई समझ जाता है कि ये सियोगंग की हस्बैंड की डेड बॉडी नहीं है। फिर ताई रेडियो चैनल चेंज करता है और उसे दूसरे रेडियो स्टेशन में एक कहानी के बारे में पता चलता है और वो कहानी सियोगंग ने अपने हस्बैंड के लिए लिखी थी बहुत वक्त पहले। ताई उस कहानी को सुनकर हैरान होता है और उसे सियोगंग के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पर वो रेडियो जॉकी वो उस नाम को भी बताता है जिस नाम को सियोगंग अपने बच्चे के नाम पर रखने वाली थी, जो नाम था दडेंग समाई। ताई ये नाम सुनकर हैरान होता है क्योंकि ये नाम डोंगजू ने ताई को बताया था। और वो रेडियो जॉकी उस ब्रिज का नाम भी बताता है जिसमें सियोगंग पहली बार अपने हस्बैंड से मिली थी। उस ब्रिज का नाम इंचोन ब्रिज होता है। और ये नाम सुनकर ताई भी बहुत हैरान होता है क्योंकि ये नाम ताई को डोंगजू ने ही बताया था। ताई को डोंगजू की बातों पर यकीन हो जाता है कि डोंगजू ने जो भी कहा था वो सच था। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि सियोगंग का हस्बैंड वो इंचोन ब्रिज में गया होता है सुसाइड करने के लिए। और वो जैसे ही ब्रिज से छलांग लगाने की कोशिश करता है तभी पीछे से आकर कोई उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पर दिखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ताइमी होता है। ताइमी बोनो की जान बचा देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि डोंगजू ने ही उस रेडियो जॉकी को वो स्टोरी पढ़ने के लिए कहा था। और डोंगजू के कहने पर वो रेडियो जॉकी वो स्टोरी पढ़ रहा था जो कि सियोगंग की थी। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि ब्रिज में पुलिस भी आ जाती है। इसके बाद सियोगंग का हस्बैंड फनल वाले रूम में आता है और वो बहुत रोने लगता है और वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी से मिलता है। उसको देखकर वो बहुत रोने लगता है। इसके बाद रात को जब ताइमी अपने घर में होता है तभी ताइमी को जुनो की आत्मा दिखाई देती है। जुनो की आत्मा ताइमी से पूछने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो पूछता है तुमने मुझे क्यों मारा। तभी ताइमी की आँख खुल जाती है। तब ताइमी को पता चलता है कि ये तो सिर्फ सपना था, यानी सपने में जुनो की आत्मा उसके पास आई थी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर मौजूद होती है और वो न्यूज़ में ताइमी को देखती है और उसके हाथ से पेपर पेन छूट जाता है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।